The Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, आज गणतंत्र दिवस है, आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं विपिन तिवारी और मेरे साथ हैं मनोज पाठक जी। आज गणतंत्र दिवस है तो हम गणतंत्र दिवस पर ही आज चर्चा करते हैं। संविधान को लेकर के बात चल रही है, कोई कह रहा है संविधान खतरे में है, कोई कह रहा है देश खतरे में है, कोई कह रहा है पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, तो दिल्ली में शाहीन बाग बना हुआ ही है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि आखिर 1950 से लेकर अब तक जब हमारा संविधान लागू हुआ, इतने 70 सालों में देश ने क्या पाया और क्या खोया। अगर आज देश को खतरा है तो किस चीज़ से खतरा है, और क्या वास्तव में हमारे संविधान को खतरा है। इन सब बातों पे हम और पाठक जी एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं कि आखिर है क्या। तो पाठक जी, क्या वास्तव में संविधान खतरे में है और देश खतरा में है? नहीं, हमें नहीं लगता है कि देश खतरे में है या संविधान खतरे में है। सरकार के सामने चुनौतियां हैं इन सब चीज़ों से निपटने की। जिस तरीके का आप देख रहे हैं, कल भी एक सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था और सरकार ने उसको संज्ञान में भी लिया, सरदुल इमाम को लेकर के। कुछ लोग हैं बोलते हैं सरकार कार्रवाइयाँ करेगी, कर रही हैं उस पर। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि जो लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरा में है, तो जो इमाम का वो वीडियो वायरल हुआ उसके अनुसार तो उन्हीं लोगों से देश को खतरा में है। स्पष्ट है कि यदि कहीं भी देश खतरे में है, खतरे में लग रहा है लोगों को। एक छोटी सी बात, हम शायद वहाँ चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी दो दिन पहले की घटना है कि दीपक चौरसिया को वहाँ पे हुड आउट किया गया, उनके साथ जोर जबरदस्ती हुटिंग की गई उनकी, और बहुत सारे पत्रकार वहाँ गए, अभी तक बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन किसी विशेष को ही क्यों? दीपक चौरसिया के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कुछ दिन पहले कुछ और मित्र बंधु कह रहे थे कि मतलब जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की तरफ ले जा रहे हैं और सारी चीज़ें पुरानी बातें हैं, मतलब उसमें उन लोगों ने तो कभी इस तरह का नहीं किया कि किसी के साथ मॉब लिंचिंग जैसी कोई स्थिति बन करके आई रही हो उसमें हो करके। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि वास्तविकता में ऐसा है नहीं, देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। स्पष्ट है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि शाहीन बाग जो है वो किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के, उद्देश्य के प्रति समर्पित होकर के किया जा रहा प्रोटेस्ट? एक चीज़ तो समझ में नहीं आती, जबकि सबको मालूम है कि CAA किसी भारतीय पर लागू ही नहीं होता है, इसे चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। और मज़े की बात यह है कि जो विरोध करने वाले हैं वो भी जानते हैं, लेकिन फिर भी ये विरोध कर रहे हैं। तो राजनीति है। अब हम देखते हैं कि आखिर देश के सामने जो वास्तविक चुनौतियां हैं, ये तो पॉलिटिकल चुनौतियां हो गई, वो अलग चीज़ है, जो वास्तविक चुनौतियां हैं वो क्या है। और एक संक्षिप्त में जान लेते हैं कि पिछले 70 साल में हमने देश ने क्या पाया, क्या किया। 71वें में पाने को हम बहुत सारी उपलब्धियाँ रही हैं, उन उपलब्धियों की चर्चा में ढेरों समय लगेंगे। हम इस बात को समझें कि अभी जो है, फिलहाल में जो सारी चीज़ें हैं उस पे चुनौतियाँ क्या क्या हैं, और उनमें आप किनको चुनौती देख रहे हैं, चुनौती के तौर पे देख रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी चुनौती देश के सामने भ्रष्टाचार से निपटने की है। सरकार जो है सो नीतियाँ बनती हैं सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे आकर के चीज़ें रुक जाती हैं। यानी कहने का मतलब है आपका जो गवर्नेंस को लेकर एक्सपेक्टेशन है वो सिटीजन ओरिएंटेड हो, सिटीजन के प्रति रिस्पॉन्सिबल, यानी नागरिकों को जो सुविधाएं हैं वो ब्यूरोक्रेसी दे सके, सरकार की योजनाओं को उसमें लागू कर सके। इसके अलावा देखिए, स्पष्ट सी बात ये है कि यदि सरकार कोई भी नीति बना रही है, कोई भी नीतियां बनाती हैं, तो वो अपने देश के नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए ही बनाती हैं। उन नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट जो होता है, जो कार्यपालिका के ऊपर है, जो कार्यपालिका को उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको वो पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करने में सफल नहीं हो पा रही है।
कारण बहुत सारे हैं, कारण की विवेचना लंबी हो सकती है उस पर, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। उसके जो दुष्परिणाम हैं, दुष्परिणाम में अब एक छोटी सी बात समझने की ज़रूरत है कि जैसे पिछली सरकार में ही कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी ने संसद में बिल लाया नए ट्रैफिक रूल को लेकर, सड़क परिवहन को लेकर के नया ट्रैफिक मोटर व्हीकल एक्ट। कहाँ था विरोध उसमें? क्यों विरोध होना चाहिए था उस बात का? वहाँ तो विरोध का कोई मतलब बनता नहीं है। स्पष्ट सी बात थी कि यदि आप गलतियाँ नहीं करेंगे जुर्माना नहीं लगना है। वो जुर्माने की राशि को लेकर के इतना बड़ा बवाल मचा दिया जाता हो, बिल्कुल कहीं वर्तमान में आप CAA के विरोध को लेकर के यदि आप समझने की कोशिश करते हैं तो जब CAA के पूरे बिल को आप पढ़ेंगे, पूरे एक्ट को आप पढ़ेंगे, उसमें देख रहे हैं जब हम, तो उसमें कहीं भी ये भारत के किसी भी नागरिक के प्रति किसी तरह का कोई दुर्भाव की बात तो की नहीं गई है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं, देश के गृहमंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई यह जो है सो लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है, देने का नियम है। हाँ, ये इनेबलिंग एक्ट है, डिसेबलिंग एक्ट नहीं है। तो फिर इसमें विरोध करने के लिए कभी शाहीन बाग, कभी सरदुल इस्लाम जैसे लोग, कभी देखिए कभी असम की तोड़ने की बात, कभी असम को तोड़ने की बात कहने की बात कहते हैं, सड़कों पे मवाद भर देने की बात कही जा रही हो। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है, आप विरोध प्रदर्शन करिए, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आपको हिंसा फैलाने का अधिकार और संपत्ति को तोड़फोड़ करने का अधिकार नहीं है। नहीं, संपत्ति को तोड़फोड़ करने के अधिकार पे तो स्पष्ट है कि आप यदि देखेंगे इसमें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान में लिया इन चीज़ों को, तो उस पर बहुत हद तक लगाम लगा, और किसी को भी किसी भी तरह के दुर्भावनापूर्ण बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि विरोध का अधिकार है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बातों को वहाँ तक रखें, अपनी बातों को पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं बातों को पहुँचाने के, देश की पूरी जीत एक समझने की बात है, समझने है उसमें। ठीक है, ये तो हुआ ये अभी विरोध प्रदर्शन CAO को लेकर के। इसके अलावा आप जो नक्सलवाद है और आतंकवाद है, इसको देश के लिए कितना बड़ा खतरा मानते हैं, यह देखते हुए कि देश की संसद ने भी हमला झेला है और देश ने मुंबई पे वो आतंक भी देखा है। जैसे आतंकवाद को लेकर के सरकार ने कुछ कदम उठाए, उन कदमों में धारा 370 जो निश्चित तौर पे आतंकवाद की रीढ़ तोड़ने का काम करेगा, खतरा तो है, दोनों में खतरा है, नक्सलवाद से भी खतरा है, दोनों में जनधन की हानि होती है, जान माल का नुकसान होता है। छत्तीसगढ़ आपने देखा है, झारखंड देख रहे हैं आप, उड़ीसा देख रहे हैं, इन सारे जगहों पे इसमें एक और चीज़ और सरकार को और कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है इनको लेकर के। एक और चीज़ देखिएगा, इसमें जो फाइनेंशियल एंगल है, नक्सलवाद हो या आतंकवाद हो, उस फाइनेंशियल एंगल के ऊपर आप जैसे ही वार करते हैं उसमें ब्रेक वो खंडित होने लगते हैं। जैसे कश्मीर फंडिंग को लेकर के जैसे ही NIA ने 370 हटने से लगभग कुछ महीने पहले तक जब शुरू किया था, उनके फंडिंग नेटवर्क को तोड़ना जिसमें कई बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी भी आए कश्मीर के, उसका असर तो साफ उसमें से दिखने लगा था स्पष्ट तौर पर। मल चीज़ें अब 70 साल में देश ने क्या क्या पाया, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो या सामाजिक दृष्टि से, सब क्षेत्रों में हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक दृष्टि फिर से हमारा विकास डेवलपमेंट को लेकर के, फिर सामाजिक हेल्थ और इन सब क्षेत्रों में इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं, तो आपके अनुसार से क्या क्या 70 साल में हमारी उपलब्धियां रह गई, देखिए उसके बाद हम इस पर डालेंगे कि क्या क्या कमियां रह गई जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले उपलब्धियां देखिए, 70 साल की हमारी उपलब्धियां बहुत छोटी नहीं है। इन 70 वर्षों की हमारी उपलब्धियां यह है कि हम मंगल तक पहुंच गए, है ना, इसरो ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, विश्व की जानी मानी, विश्व की टॉप स्पेस एजेंसी में से एक बन गई। इन 70 सालों का विकास ही है कि दूरसंचार के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति आई, बिल्कुल
इन 70 सालों का ही विकास है कि संचार के माध्यम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ है, एयरपोर्ट वगैरह, एयरपोर्ट कितना डेवलप हुए हैं, हमारे रेल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, हम विश्व की शायद सबसे बड़ी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क चलाने वाले देश में हैं। तो ये 70 साल उपलब्धियों भरा तो रहा ही है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर, सामाजिक सेक्टर वगैरह में, हेल्थ सेक्टर में भी हाँ बहुत है, वो पोलियो से उन्मूलन देखते ही मिल रहा है, पोलियो उन्मूलन हो गया, अभी भी विश्व के कई देशों में पोलियो है, मलेरिया टाइफाइड हैजा वगैरह पे भी हमने नियंत्रण पाया है, उन सब चीजों पे भी, फ्लैग और क्या क्या पहले इस तरह की बहुत सारी बीमारियां थी जो अब कहीं सुनने को नहीं मिलती हैं। तो हाँ, साफ सफाई पर भी हमने जोर दिया है उसको लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, सारी बीमारियों का सबसे बड़ा जड़ वही है। हाँ, गंदगी ही है उसमें हो करके, पर कैपिटा इनकम बढ़ाई है सबका। बिल्कुल लाइफ स्टैंडर्ड हुआ है, लोगों का रहन सहन ठीक हुआ है, लोगों के रहन सहन की स्थिति जिसको अब लाइफ स्टाइल कहा जाता है, तो उसमें गरीबी के खिलाफ भी हमने एक अच्छी खासी लड़ाई है। हालांकि इन सब चीज़ों पे अभी और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, अभी शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे जो सुविधाएं अभी उसको क्या कहेंगे कि महानगरों से होकर के नगरों तक पहुंची हैं, उन्हें गांवों तक पहुंचने की ज़रूरत है कि अस्पताल गांवों तक पहुंचें, अच्छे विद्यालय, एक बेहतर स्कूलिंग गांवों तक पहुंचे, जिसके लिए गांवों से शहरों की ओर पलायन होता रहा है खास करके। ये तो इन सारे सेक्टरों में हमारी उपलब्धियां ही रही। इसके अलावा आप आने वाले समय में जो सबसे बड़े बाधा बनने वाले हैं और जिसको सबसे पहले एड्रेस करने की ज़रूरत है, वो 2-3 मुद्दे क्या हैं? मेरे हिसाब से तो सबसे पहला जो इन सब में बाधक है वो भ्रष्टाचार है। मेरे लिहाज से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह है जनसंख्या नियंत्रण की, क्योंकि अगर बढ़ती हुई जनसंख्या को हम नहीं नियंत्रित कर पाए और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो गई, तो हमारे संसाधन जो हैं, कितना भी हम संसाधन इकट्ठा कर लें, वह कम ही पड़ते रहेंगे। तो इसके ऊपर भी बड़ी तेजी से प्राथमिकता के साथ इसको एड्रेस करने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र में ठीक है, सारी समस्याओं का मेरे लिहाज से एक जो जनसंख्या विस्फोट तो है, बढ़ती जनसंख्या, अगर हमने जनसंख्या पे एक नियंत्रण पा लिया जी, तो बहुत सारी समस्याओं के ऊपर भी हम समाधान ढूंढ लेंगे बहुत सारी समस्याएं। चूंकि हेल्थ सेक्टर हो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य सब पे हमें ध्यान देना ही है, और उस सब पे हम तभी कारगर तरीके से ध्यान दे पाएंगे जब हम जनसंख्या पे अच्छी तरह से नियंत्रण कर ले पाए। सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, ये सपना पूरा हो सकता है, तभी संभव है कि, और हम उम्मीद करते हैं कि यह सपना एक दिन जरूर पूरा होगा, सब खुशहाल होंगे, देश खुशहाल होगा जी। धन्यवाद।